एक कोशिश तो करो, उसके बाद ठीक वैसा ही होगा जो आर्माद 1 के साथ कांस फेस्टिवल में हुआ। कांस में आर्माद 1 की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को दुनिया भर के लोगों ने 10 मिनट तक खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। उसने पूरी दुनिया में भारत का डंका पीट दिया है। कांस में आर्माद 1 ने अपनी फिल्म रॉकेटरी का प्रीमियर रखा था। इस फिल्म को देखने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिटिक पहुंचे थे। आर्माद 1 इस फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर खुद ही हैं, लेकिन पहली ही फिल्म में आर्माद 1 ने ऐसा चमत्कार किया कि उनके चर्चे दुनिया भर में होने लगे। साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर बनी इस फिल्म को पूरे 10 मिनट के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला। रॉकेटरी आर्माद 1 के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। फिल्म की शूटिंग भारत, फ्रांस, कनाडा, जॉर्जिया और सर्बिया में की गई है। इस फिल्म में आर्माद 1 के साथ कई हॉलीवुड एक्टर सहित शाहरुख खान ने भी काम किया है। फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है, लेकिन इसका बज अभी से बन गया है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इसरो के रिटायर्ड साइंटिस्ट और एयरबेस इंजीनियर नंबी नारायण की जिंदगी पर आधारित है। नंबी नारायण देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक रहे हैं, लेकिन उन्हें 1994 में केरल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोप लगा कि नंबी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं और उन्होंने जरूरी दस्तावेजों को लीक किया है। नारायण ने सच साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और सीबीआई जांच में नारायण बेगुनाह साबित हुए, लेकिन उस दौरान उन्होंने जो झेला उसे बयां कर पाना भी मुश्किल है। इसके बाद नारायण ने 1998 में उन्हें झूठे केस में फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए लड़ाई लड़ी। नारायण की कहानी बहुत प्रेरणादायक है और अब इस पर माधवन की फिल्म बनकर तैयार हो गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या फिल्म वाकई में धमाल मचा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को